हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज काफ़ी यार खुशी हो रही है मुझे इस वीडियो को बनाते हुए, क्योंकि FTX का जो क्लेम पोर्टल है वहां से ईमेल आ गई कि आप अपने जो भी क्रिप्टो करेंसी FTX में थी आप उसको क्लेम कर सकते हो। पैसा ही पैसा हो गया। मतलब थोड़ी तो पॉजिटिव न्यूज है ही है कि क्लेम पोर्टल खुल गया है। ऐसा नहीं कि क्रिप्टोपिया की तरफ से भाई मेल पे मेल आ रहे हैं, बट वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। बट वो बात नहीं करेंगे आज। आप बात करने वाले हैं हम FTX के बारे में, FTX क्लेम पोर्टल से आप कैसे अपने क्रिप्टो क्लेम कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है, तो सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। और अगर आपने वीडियो अब तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार लाइक कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और मुझे ट्विटर में भी फॉलो कर देना, मेरी ट्विटर आईडी है क्रिप्टो चाय। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं FTX की तरफ से जो इम्पोर्टेंट मेल आई है उसके बारे में। तो यह है वो ईमेल जो FTX की तरफ से आई है, और इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट मतलब काफ़ी लंबी चौड़ी ईमेल है, तो आपको इतने पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अगर पढ़ना होगा तो पढ़ लेना, बट जो इसमें इंपॉर्टेंट दो चीज़ें हैं वो आपको मैं बता देता हूँ फटाफट से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यह है September 29, 2023 @4 PM ईस्टर्न टाइम, ठीक है। तो ये है डेडलाइन जिससे पहले कि आपको अपने जो क्रिप्टो करेंसी है उसको क्लेम कर लेना है, ठीक है। और दूसरा जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ये लिंक, FTX आज का जो क्लेम पोर्टल है उसका लिंक है, और ये है claims.ftx.com। और यार बहुत समझदारी से मतलब देख के लिंक जाना कि HTTPS है कि नहीं, कोई फेक ईमेलों को रिस्पॉन्ड मत करना, वहाँ मत जाना, ऑफिशियल जो ईमेल आएगी वहीं से जाना, नहीं तो आप अपने सारे क्रिप्टो करेंसी गवा भी बैठ सकते हो अगर सिमिलर किसी ने प्लेटफॉर्म बना दिया आपको हैक करने के लिए। तो सबसे पहले चलते हैं इस क्लेम के पोर्टल में और देखते हैं क्या सारी प्रोसेस है, कैसे कैसे क्या क्या स्टेप्स हैं जिससे आप अपने क्रिप्टो करेंसी क्लेम कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये है FTX कस्टमर क्लेम्स पोर्टल, और जब वो आप लिंक क्लिक करेंगे जो मेल पर आया है तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा। साफ साफ देखो लिख दिया हुआ है क्या क्या चाहिए। अकाउंट ओनर ऑथेंटिकेशन होने वाला है पहले, फिर KYC होगी, फिर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का रिव्यू होगा, फिर अकाउंट बैलेंस जो भी है वो दिखेगा, और उसके बाद आपका कंफर्मेशन वगैरह होगा। तो यहाँ पे आपको अपना जो प्लेटफॉर्म है वो FTX.com चूज़ कर लेना है, सेलेक्ट प्लेटफॉर्म है नीचे और गेट स्टार्टेड क्लिक कर देना है। वंस आप गेट स्टार्टेड क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल करना है और उसके बाद लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद वो आपसे आपका ना 2FA पूछने वाला है, तो 2FA फटाफट से भरने के बाद आपको ये कंफर्म ईमेल करने को बोलेगा। तो आपको ये लिंक क्लिक करना है, यहाँ पे नॉट लिंक ये बटन क्लिक करना है कंफर्म ईमेल का, और वंस आप इसको क्लिक करते हैं तो आपकी जो भी आपने ईमेल दिया है वहाँ पे एक ईमेल आएगी जिसको आप कंफर्म कर देना, और वंस कंफर्म वो ईमेल हो जाएगी तो आपको ये KYC प्रोसेस का बटन दिखेगा, और इसको क्लिक करते ही आपको ऐसा कुछ दिखेगा, लेट्स गेट यू वेरीफाइड। तो ये थर्ड पार्टी यूज़ कर रहे हैं और आपको यहाँ बस कंफर्मेशन करके आगे बढ़ जाना है। और यहाँ पे आप अपनी नेशनैलिटी चूज़ कर लेना, मेरी नेशनैलिटी इंडियन है तो मैं इंडिया चूज़ कर लूँगा यहाँ पे, और हम आगे बढ़ जाएंगे। तो उसके बाद ये आपसे कुछ क्वेश्चनर है यहाँ पे कि आप भाई कौन सी इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो आपकी जो भी इंडस्ट्री होगी आप वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारी इंडस्ट्री दी गई है यहाँ पे, मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा सॉफ्टवेयर IT सर्विसेज, और नेक्स्ट करेंगे। और ये पूछ रहा है कि भाई अब आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है जो आप अपलोड करना चाहते हो वो कौन सी कंट्री पे है, कंट्री ने इशू किया है, तो अब मैंने कनाडा का मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करने वाला हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे अपनी डिटेल छुपा दूंगा जिससे कि प्राइवेसी इशू ना हो। और यहाँ पे आपको फ्रंट और बैक कॉपी जो आपके ड्राइविंग लाइसेंस की है या कोई भी जो आप डॉक्यूमेंट देंगे वो अपलोड कर देंगे और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। और यहाँ पे देखिए अभी सेल्फी लेने को बोलेगा कि भाई अब आपकी फ़ोटो खींची जाएगी, बढ़िया बढ़िया। तो आपको यहाँ पे फ़ोन से भी कर सकते हैं और आप यहाँ पे डेस्कटॉप से भी कर सकते हैं, मेरे पास अभी इसमें कैमरा नहीं लगा हुआ, मैंने हटा रखा है तो मैंने भाई कॉपी कर दिया है फ़ोन का लिंक, और फ़ोन से मैं करने के बाद ये वेरिफिकेशन इज इन प्रोसेस आ चुका है। तो फ़ोन पे मेरी सेल्फी मैंने अपलोड कर दी है, और उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे भी कंटिन्यू कर सकते हैं या अपने फ़ोन पे भी कर सकते हैं, बट मेरे पास डॉक्यूमेंट जो है मेरे यहाँ पर है तो मैं यहीं पे कंटिन्यू करूँगा डेस्कटॉप पे। और अब यहाँ पे आपसे प्रूफ ऑफ एड्रेस पूछ रहा है। देखो यहाँ पे प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अपलोड कर सकते हो, बैंक स्टेटमेंट है, यूटिलिटी बिल है, इंटरनेट बिल है, तो मैं इनमें से एक कोई भी एक अपलोड कर दूंगा। और यहाँ पे ना ये दो पेज मांग रहा है, अगर आप अभी फर्स्ट पेज अपलोड करेंगे तो उसके बाद ही दूसरा पेज भी मांगेगा, तो वो कर देते हैं फटाफट से। तो मैं यहाँ पे अपना यूटिलिटी बिल अपलोड कर दूंगा, और अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लो, जब तक मैं अपलोड कर रहा हूँ अपना बिल तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो भाई मैंने पहला पेज जो है अपलोड कर दिया है, अब मैं दूसरा पेज अपलोड करूँगा। अगर आपका
बिल डिवाइडेड है तो उसे सिंगल सिंगल पेज में कर लेना, उसके बाद आप नेक्स्ट कर देना। तो ये सिंपल आपको दिखा रहा है कि अभी आपकी इन्फॉर्मेशन क्या क्या, आपका एप्लीकेशन डेटा हो गया, आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, क्वेश्चनर हो गया, और उसके बाद आप सीधा नेक्स्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ लगे कुछ चेंज करना है तो चेंज कर लेना, नहीं तो नेक्स्ट कर देना। तो नेक्स्ट करने के बाद काफ़ी मतलब अब जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो होने वाली है आपके पास। अब ये बोलेगा कि भाई 20-25 मिनट लगेंगे कन्फर्मेशन करने के लिए, तब तक आप इस स्टेप को क्लोज कर देना और आगे की प्रोसेस कर लेना। तो जो अगला स्टेप है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको अपना बैलेंस रिव्यू करना है। तो आपको जितना भी इसमें क्रिप्टो में बैलेंस है सारा कुछ दिख जाएगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है इससे तो आप आगे जाके जब आप क्लेम करेंगे तो उस समय वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने वंस रिव्यू कर लिया तो आप नेक्स्ट स्टेप में चले जाना, फाइल प्रूफ ऑफ क्लेम। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, बिना इसके आपका जो क्लेम है वो प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना, ये थर्ड पार्टी वेबसाइट में ले जाएगा आपको केरोल वालों की, और उसके बाद आप वहाँ पे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डालेंगे। तो यहाँ पे आने के बाद आपको ये व्यू स्केड्यूल क्लेम जो वाला बड़ा सा बटन है इसको क्लिक करना है, और उसके बाद ये आपको आपकी डिटेल दिखाएगा, आपका नाम दिखाएगा, आपका FTX अकाउंट ID दिखाएगा। तो इसको आप सब वेरीफाई करके आप नेक्स्ट कर सकते हैं। और वंस आपने नेक्स्ट कर दिया, अब आपको ये स्केड्यूल क्लेम इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पे जो स्केड्यूल है जो F1 लिखा हुआ है इसको वैसे ही छोड़ देना, FTX ट्रेडिंग जो पहला ऑप्शन है उसको रहन देना क्योंकि हम FTX ट्रेडिंग वाले में है। और उसके बाद आपको ये सारा दिखाएगा कि आपके फिएट में कितने रुपए पड़े, मतलब फिएट कितना पड़ा हुआ है, और उसके बाद क्रिप्टो करेंसी कितनी पड़ी है। तो फिएट में आपको यहाँ पे क्या करना है, डू यू एग्री विद द स्केड्यूल क्वांटिटी, यस कर देना अगर आप एग्री करते हैं। और यहाँ पे डू यू वांट टू ऐड एनी अदर फिएट नॉट प्रीवियसली लिस्टेड, नो कर देना, अगर आपकी है तो ऐड कर देना। और उसके बाद ये आता है कि आपका क्रिप्टो करेंसी कितना है। तो वंस आपने वेरीफाई कर लिया कि आपका क्रिप्टो करेंसी कितना है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। उसके बाद ये है कि लोन, अगर आपने कुछ लोन किया हो, जो भी इनके अंदर FTX में थे ना उस समय लोन NFT वगैरह, तो इस सब का यहाँ पे चिट्ठा है कि आप अगर आपने आपका कुछ भी लगा हो तो आप वो कर सकते हैं। तो उसके बाद ये कस्टमर क्लेम रिलेटेड टू एदी अदर एक्टिविटी ऑन द FTX चेन, अगर आपने उसके अलावा भी कोई क्लेम किया है तो कर देना। मैंने तो कोई क्लेम किया नहीं तो मैं नो सेलेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे, मतलब 90% लोगों के लिए ये नो ही होगा। और उसके बाद ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना है उस शेड्यूल को, और ये जो ईमेल आएगी अभी वो जब कन्फर्मेशन होगा तो वहाँ पे भी दिखाता है, तो आपको एक्सेप्ट करना है। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो ईमेल दी गई है ना, ये नो रिप्लाई ई फाइलिंग वाली, इसको आप अपने ईमेल में ऐड कर लेना, क्योंकि उस ईमेल में आपका पूरा PDF आने वाला है और साथ में कन्फर्मेशन ID आएगी। उस कन्फर्मेशन ID से ना आप जो इनका पोर्टल है वहाँ देख सकते हो कि आपका स्टेटस क्या है क्लेम का। तो बस भाई लोगों इतना ही था, प्रोसेस हो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी इशू आ रहे हो तो प्लीज़ यार कमेंट करके बताओ, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और यार सब्सक्राइब तो कर देना, मोटिवेशन मिलता है आगे और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो चैनल। अब मैं आपसे मिलूंगा अगले किसी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो संग। टिल देन इन्वेस्ट सेफली एंड इन्वेस्ट वाइजली।